टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही शो में बड़ा लीप आने वाला है। बीते एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा कहती है कि डिंपल की पगफेरे की रस्म होनी है। अनुपमा खुद डिंपल और समर की आरती उतारती है और बा अपने हाथों से लड्डू बनाती है और दोनों को विदा करती है। उधर माया पगफेरे की तैयारी अकेले ही कर रही होती है, जिससे रूठे हुए अनुज को वो मना सके। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पारितोष सबसे कहता है कि वो अलग रहेगा क्योंकि डिंपल रोज रोज का कलेश करेगी। तोशु कहता है कि रोज रोज की कलेश से अच्छा है कि हम लोग अलग रहें। अनुपमा कहती है कि तू सोचने कब से लगा है, तूने भी तो बहुत सारे कांड किए हैं और तू होता कौन है अकेला फैसला लेने वाला। किंजल से पूछ कि वो तेरे साथ रहना चाहती भी है या नहीं। अनुपमा की बातें सुनकर पारितोष चुपचाप वहां से निकल जाता है। बा को भी लगता है कि घर में सभी को अलग रहना चाहिए। अनुपमा कहती है कि अगर बच्चे अलग रहना चाहते हैं तो रहने दें, और आपको लगता है कि तीनों में से कोई भी अलग रहने लायक है। बच्चे जिद करते हैं लेकिन उनकी हर जिद पूरी नहीं की जा सकती है, ये जोश में बोल देते हैं लेकिन होना इससे कुछ भी नहीं है। जिसके बाद बा अनुपमा के लिए लड्डू बनाती है और खुशी से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मालती देवी को चिंता हो रही है कि कहीं अनुपमा पीछे ना हट जाए। वो नकुल से कहती है कि मैंने सब कुछ अनुपमा पर लगा दिया है, अगर अब वो पीछे हटी तो मालती देवी बर्बाद हो जाएगी। नकुल भी मालती देवी को भड़काने की कोशिश करता है कि अनुपमा पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया, वो है तो एक माँ ही और माँ कभी अपने परिवार और जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती है। नकुल मालती देवी से एक मौका मांगता है और अपने और अनुपमा के बीच डांस का मुकाबला कराने की मांग करता है। दूसरी तरफ अनुज डिंपल और समर का स्वागत करता है, जहाँ पाखी कहती है कि ये मेरा भी ससुराल है और असली वाला जबरदस्ती वाला नहीं। पाखी ऐसा माया और डिंपल को सुनाने के लिए कहती है। अनुज कहता है कि तुम इस घर की बेटी भी हो तो अनुपमा की तरह इस घर का ख्याल रखो। पाखी की वादा करते ही वो इस घर पर पूरा ख्याल रखेगी। आने वाले एपिसोड में नकुल चाल चलेगा और गुलाब के फूलों में कांच मिला देगा।